रहे हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। वेल देखिए, मार्केट के अंदर पिछले चार दिनों में हमने ऑलमोस्ट एवरी डे फॉल देखा है और आज भी वेनेसडे के दिन जब से सुबह से मार्केट ओपन हुआ है नए लोज देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक द इमीडिएट सपोर्ट एंड मेजर सपोर्ट फॉर निफ्टी इज प्लेस्ड एट अराउंड 40,000 लेवल। 14,000 का सपोर्ट अगर ब्रेक होता है निफ्टी में तो ये करेक्शन बढ़ेगी, नहीं तो सडन यू टर्न आएगा मार्केट्स में और सडन रिकवरी देखने को मिलेगी। 14,000-14,100 का निफ्टी में आप लोग इमीडिएट सपोर्ट मान के चले। एंड ऑन हायर साइड द रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी इज प्लेस्ड एट अराउंड 14,000 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक पोजीशंस होल्ड करके चले। 14,230-14,250 का रेजिस्टेंस लेवल एक बार ब्रेक होता है तो 14,400 से लेकर 14,500 तक का मूव जल्दी ही देखने को मिलेगा। एक्सपायरी वीक, बजट प्री वीक, इसके लिए वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और ये वॉलेटिलिटी आने वाले एक हफ्ते तक ऐसे ही देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें, थोड़ा सा सतर्क रहे एंड स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। नाउ द बैंक निफ्टी इज कोटिंग एट अराउंड 30,800 लेवल। The support for bank Nifty is placed at around 30,500-30,300 levels. And on higher side, the resistance for bank Nifty is placed at around 31,200-31,300 levels. Once bank Nifty is able to break these levels on closing basis, we will see a very good upside move till 31,700 or 32,000 levels. So dips mein khardari karke chala ja sakta hai. Rebound ka wait kare. Jo maine resistance level bataya hai, wo resistance level break ho jata hai. To mera conviction strong ho jayega aur phir jo maine next resistance level bataya hai, wahan tak ke target jaldi hi dekhne ko milenge. तो आई थिंक लोअर लेवल से खरीदारी आएगी क्योंकि चार दिन से मार्केट अब ओवरसोल्ड लेवल के पास भी आने को शुरू हो चुके हैं और एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अगर बजट के पहले ये सेल ऑफ आया है तो एक चीज और ध्यान में रखें, हो सकता है बजट में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिले और बजट अच्छा आ जाए क्योंकि प्री सेलिंग आ चुकी है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा सेक्टर को क्लोजली वॉच करें। मैंने पहले भी इस पॉडकास्ट में बताया हुआ है कि फार्मा सेक्टर में खरीदारी करें। आप FMCG सेक्टर में खरीदारी कर सकते हैं, IT सेक्टर में खरीदारी कर सकते हैं। तीनों सेक्टर को क्लोजली वॉच करें। इन सेक्टर्स के अंदर कोई भी टिप आता है तो खरीदारी करें। आने वाले दिनों में एक अच्छा अपसाइड मूव फार्मा, FMCG और IT सेक्टर में देखने को मिलेगा। आज का पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पॉडकास्ट में और अपडेटेड लेवल देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। बाय बाय।